स्वार्थी लोगों द्वारा बर्फ से ढके जंगलों व सड़कों पर बेरहमी से खदेड़ी जा रही है दूध न देने वाली गाय। जंगल व सड़कें बर्फ से ढकी होने के चलते आवारा पशुओं को नहीं मिल पा रहा है चारा व पानी। बर्फ में मरने के लिए छोड़े गए गौवंश की मदद के लिए आगे आए स्थानीय समाज सेवी। स्वार्थी लोगों द्वारा हरिपुर धार तथा उपमंडल संग्रह के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में मरने के लिए छोड़े गए गौवंश की हालत देख हर रहम दिल शख्स का दिल पसीजना स्वाभाविक है। उपमंडल के अंतर्गत आने वाले हरिपुर धार में पिछले 3 दिनों में 1 फुट के करीब बर्फ के बावजूद कई गाय अथवा गोवंश के पशु 0 डिग्री से कम तापमान में अब तक जैसे तैसे जिंदा है। इनमें से जहां कुछ में पशु गणना के दौरान कान में लगे टैग मौजूद है, वहीं अन्य मवेशियों के टैग भी स्वार्थी लोगों द्वारा उखाड़ दिए गए हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके और ना ही उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सके। हरिपुर धार के अलावा चूर धार के जंगल व नौरा धार के आसपास भी कुछ बेरहम किसानों द्वारा दूध न देने वाली गाय अथवा कमजोर व बेकार पशुओं को छोड़ा जाता है और हर साल इनमें से कई बर्फबारी के दौरान दम तोड़ देते हैं। एक तरफ जहां कुछ बेरहम लोग इन्हें बर्फीले जंगलों अथवा सड़कों पर छोड़ने के साथ साथ दूर तार से इनके कान में लगे टैग भी निकाल लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स द्वारा हरिपुर धार संगड़ा मार्ग पर नया बाग नामक स्थान पर अपने शेड में गोवंश के 15 पशुओं की देखभाल की जा रही है और आगामी मार्च माह में ठंड कम होने पर ही वह इन्हें साथ लगते जंगल में छोड़ेंगे। उप तहसील मुख्यालय हरिपुर धार में इन दिनों बर्फीली सड़कों पर घूम रहे 7 के करीब गाय अथवा आवारा पशुओं की मदद के लिए भी कुछ स्थानीय लोग आगे आए हैं और साइना देवी नामक एक महिला जहां इन्हें पानी गर्म करके पिला रही है, वहीं कपिल चिराग व विपिन शर्मा नामक स्थानीय युवा पेड़ों पर चढ़कर इनके लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 12,000 फुट ऊंची चूरधार चोटी पर गत माह पहली व दूसरी बर्फबारी के दौरान भी ऐसे पशुओं की तस्वीरें सामने आई थी और इन दिनों 10 फुट के करीब बर्फ से ढके चूरधार के जंगल में कोई चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर सकता। विडम्बना यह भी है कि प्रशासन उधर प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर की सभी पंचायतों में हालांकि गौशालाओं का निर्माण किया जा चुका है, मगर इन्हें फंक्शनल करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार बजट का प्रावधान नहीं है, जिसके चलते गौशाला के नाम से पंचायतों में बने शेड में या तो प्रभावशाली लोगों का सामान अथवा अन्य वस्तुएं रखी है या फिर पंचायतों द्वारा इन्हें स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। SDM संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने कहा कि वह हरिपुर धार व बर्फ से प्रभावित अन्य सड़कों पर छोड़े गए आवारा पशुओं के मामले में संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दे चुके हैं।